YouTube पर सबसे पहले नई वीडियो देखने के लिए YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे जो लाल रंग का आपको बटन नजर आए वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन नजर आएगा वहां पे क्लिक कर लें। थैंक यू। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराई फर्ज के बाद हलाल रोज़ी कमाना सबसे बड़ा फरीज़ा है। इस हदीस मुबारका में कस्ब हलाल की अहमियत बयान की गई है। कस्ब हलाल से मुराद जायज़ तरीके से रोज़ी का हसूल है, क्योंकि इस्लाम में सबसे बड़ा फ़र्ज नमाज है। इसके बाद सबसे बड़ा फरीज़ा रिज़्क़े हलाल करार दिया गया है। कस्ब हलाल की अहमियत हुक्म खुदावंदी। अल्लाह ताला ने सिर्फ़ हलाल और पकीज़ा खाने का हुक्म दिया, इसके अलावा बाकी चीज़ों को हराम करार दिया। चुनाचा अरशाद रुबानी है, ऐ लोगों, ज़मीन की सिर्फ हलाल और पाक चीज़ें खाओ। हराम खाना इंसान को खुदा की नज़र में मुजरम ठहराता है और हलाल खाना कस्बे हराम से बचाना फ़र्ज़ है। हराम खाने की ममानत। अल्लाह ताला ने मालो दौलत हराम खाने की ममानत की है, क्योंकि हराम खाने के बाद कोई नेकी कबूल नहीं होते। अरशाद रुबानी है, और आपस में एक दूसरे का माल ना हक तौर पर ना खाओ। आज हम हराम में बहसियत कौम बुरी तरह मुब्तला हो चुके हैं। हराम खाने वाले की कोई इबादत कबूल नहीं होती। इस बारे में हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स हराम का एक लुकमा भी अपने अंदर डालता है, इसकी 40 दिन तक की इबादत कबूल नहीं होती। इस हदीस की रोशनी में सोचना चाहिए कि इस वक्त हमारी इबादत का क्या हाल है। हराम की वजह से हमारी इबादतें ख़राब हो रही हैं। जन्नत में महरूम करना। हराम खाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स रिश्वत और हराम तरीके से रोज़ी कमाता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसके लिए तो आग ही बेहतर है। इससे वाजिया होता है कि हराम खोरी दोज़ख़ का बाइस है। लेकिन इस वक्त इस मामले में मुसलमानों का रवैया क्या है? ये रोज़े रोशन की तरह सब पर वाजिया है। हराम मुसलमान को जन्नत से दूर कर देता है। कस्बे हलाल इस्लामी फ़राइज में सबसे एक अहम फरीज़ा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब नमाज जुमा अदा हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का रिज़्क तलाश करो। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कस्बे हलाल खुदा के मुकर्रर करदा फ़राइज में से एक फ़र्ज़ है। इससे किसी सूरत नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए। आज हम किस हद तक इस फ़र्ज़ को अदा कर रहे हैं, इस मामले में हमें अपना अपना जायज़ा लेना चाहिए। हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक शख्स कस्बे माश की गर्ज से तवील सफ़र करके आता है, इसके बाल गर्द आलूद होते हैं, और वो दुआ के लिए हाथ उठाता है और कहता है कि ऐ परवरदिगार, ऐ परवरदिगार, यानी खुदा से दुआ मांगता है, मगर इसका खाना भी हराम है, इसका पीना भी हराम है, इसका लिबास भी हराम का होता है, इसकी परवरिश भी हराम से होती है। इन वजूहात की बिना पर इसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? इसीलिए हराम खाने से बचना चाहिए। सबसे बेहतर कमाई इंसान के हाथों की कमाई है, यानी इंसान जो खुद कमा कर खाता है। अरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सबसे बेहतर खाना वो है जो इसके हाथ की कमाई है। बेशक अल्लाह ताला ने के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से काम करके खाते थे। आज हराम खाना हमारा शार बन गया है और इसको जदीद दौर का तकाजा बयान किया जाता है, और ताजिर हजरात अपनी बददियानती को तजारती तकनीक के पर्दे में छुपा देते हैं, जबकि कुरान मजीद से वाजिया होता है कि कौम शुएब की तबाही का सबब ये कि कस्बे हराम और तजारती बददियानती ही था। इसका मतलब ये है कि कस्बे हराम या तजारती बददियानती
کوئی نئی چیز نہیں بلکہ دور قدیم سے ہی انسان پر عمل پیرا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے قومیں عذاب الہی کا شکار بھی ہوئی ہیں۔ قصبے حلال کے بہت سے فوائد ہیں۔ خدا کی قربت و محبت حاصل ہوتی ہے، روحانی طور پر انسان سکون اور اطمینان حاصل کرتا ہے، لالچ سے دور رہتا ہے اور بے شمار دنیاوی قباحتوں سے بچا رہتا ہے، انسان کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے، بے شمار بلائیں اور مصیبت ٹل جاتی ہے، انسان فضول خرچی سے بچا رہتا ہے۔ ہمیں بھی حلال طریقے سے روزی کمانی چاہیے۔